हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मेरा नाम है नबील अहमद और स्वागत करता हूं मैं आपका द हिंद गुरु एकेडमी के एक और सेशन के अंदर बचा, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। और आज हम लोग ये समझ रहे होंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। लाइक आपने सुना होगा ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होगा, ओ ब्लड ग्रुप होता है, फिर आपने पॉजिटिव नेगेटिव का भी एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो आज उसी चीज को हम लोग यहां पर डील कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे बच्चा ब्लड ग्रुपिंग की, तो फोर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। तो सबसे पहले आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, तो आप फोकस करिएगा यहां पर ए वाले पर। तो अगर सपोज मेरे पास यहां पर आपका आरबीसी है, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या होता है, या आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसको बोला गया है डोनेंस मेम्ब्रेन। तो डोनेंस मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस। नाउ सम आर थिंकिंग कि भाई एंटीजेंस क्या होते हैं। तो एंटीजेंस आर सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। तो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं बच्चा यहां पर आरबीसी के सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और उन्हीं डिफरेंट टाइप के एंटीजन के प्रेजेंस एब्सेंस या डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बनते हैं। जैसे सपोज आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक स्पेशल टाइप का एंटीजन है, नाम है एंटीजन ए, और आपके प्लाज्मा के अंदर एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी है और वो है एंटीबॉडी बी। तो वे ब्लड या वो मैं कह सकता हूं आरबीसी या ब्लड जिसकी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन मिलेगा और ब्लड प्लाज्मा में आपको बी एंटीबॉडी मिलेगी, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। जैसे पर्सनली अगर मैं अपना बताता हूं तो मेरा भी ए ब्लड ग्रुप है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि मेरी आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है और मेरे ब्लड प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडी बी है। दैट इज वाई मेरा ब्लड ग्रुप हो गया ए। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बी की तरफ चलते हैं। तो बी ब्लड ग्रुप उसको कहा गया है जिसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक स्पेशल टाइप का एंटीजन होगा, नाम होगा एंटीजन बी, और प्लाज्मा में आपकी एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी होगी, नाम होगा यहां पर एंटीबॉडी ए। तो एंटीजन होगा बी, एंटीबॉडी होगी ए, और ब्लड ग्रुप कहा जाएगा ब्लड ग्रुप बी। ओके, नाउ ए बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। तो ए बी ब्लड ग्रुप की अगर आप बात करते हो बच्चा, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी मिलेगा, एंटीजन बी भी मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा जो वो है आपका एंटीबॉडी। कोई भी एंटीबॉडी अगर नहीं है प्लाज्मा में और आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों स्पेशल तरह के एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप। क्या बोला गया उसको? ए बी ब्लड ग्रुप। वहीं पर अगर आप बात करोगे बच्चा यहां पर ओ ब्लड ग्रुप के केस में, तो कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना तो एंटीजन ए होगा और ना ही एंटीजन बी होगा, लेकिन वहां पर दोनों तरह की अगर एंटीबॉडी हो जाए तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? ओ ब्लड ग्रुप। तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा, ए ब्लड ग्रुप वो होगा जिसमें एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगी बी, ब्लड ग्रुप ए कंसीडर किया जाएगा। ब्लड ग्रुप बी उसको बोला जाएगा यहां पर जिसमें एंटीबॉडी होगी ए और एंटीजन होगा बी, और ए बी ब्लड ग्रुप उसको बोला गया है बच्चा यहां पर जिसमें ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो ये हो गया मेरे पास यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप, राइट ठीक है। तो अब यहां पे आज मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा कि आप रैंडम सैंपल से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी भी पर्सन का एक रैंडम सैंपल का आपका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बच्चा आप यहां पे देख पा रहे होंगे तीन मैंने ग्लास स्लाइड ली है, ठीक है, तीन ग्लास स्लाइड ली, और मैंने उन तीनों ग्लास स्लाइड में बच्चा एक सैंपल ऑफ ब्लड रखा। तो ये क्या है? ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल लिया और मैंने तीन यहां पर सेम सैंपल से आपका तीन स्लाइड बना लूंगा, ठीक है। अब जो पहली स्लाइड होगी उसमें मैं डालूंगा एंटीबॉडी ए,
मैंने क्या किया, मैंने तीन स्लाइड बनाई और तीनों में मैंने एक रैंडम ब्लड सैंपल डाला, और रैंडम ब्लड सैंपल डालने के बाद मैंने आपकी जो स्लाइड नंबर वन थी उसमें डाला मैंने एंटीबॉडी ए, स्लाइड नंबर टू जो थी उसमें डाला मैंने एंटीबॉडी बी, और स्लाइड नंबर थ्री जो थी सेम सैंपल की उसमें मैंने डाली आरएच एंटीबॉडी। तो आपने तीन स्लाइड लेनी है, तीनों में सेम सैंपल डालना है, एक सैंपल में आप डालिएगा एंटीबॉडी ए, दूसरे में एंटीबॉडी बी और तीसरे में आरएच एंटीबॉडीज। उससे क्या होगा सर, उससे देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपने इस तरीके से किया और एंटीबॉडी डाली ए और क्लंप हो गया, एंटीबॉडी ए डाली सैंपल में और क्लंप हो गया, कोएगुलेट हो गया, क्लंप होने का मतलब कोएगुलेट, ठीक है, क्लंप हो गया, और जब आपने सेम सैंपल में एंटीबॉडी बी डाली और कोई क्लंप नहीं हुआ, तो एक बात तय है कि जब ये कंडीशन आएगी तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है। जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो अगर मैं एक रैंड अपना सैंपल को बचा किसी में स्प्रेड करता हूं, स्प्रेड करने के बाद यहां पर ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करने के बाद एंटीबॉडी ए डालूंगा, तो एंटीबॉडी ए डालने पर वो जो ए वाला जो सैंपल था उसमें क्लंप देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और जो बी वाला सैंपल यहां पर आपका जो सेकंड होगा, यहां पे जैसे ही मैंने एंटीबॉडी बी डाली अगर उसमें कोई क्लंप नहीं हुआ तो ये बात तो पक्की है ये आपका सैंपल कैसा है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब ये देखना कि भाई आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए मुझे क्या डालना होगा, आरएच एंटीबॉडी। अगर आरएच एंटीबॉडी डालने पर क्लंप हुआ तो ए पॉजिटिव, और अगर नहीं हुआ तो ए नेगेटिव, ठीक है। लाइकवाइज अगर आपने एक रैंडम ब्लड सैंपल लिया उसमें एंटीबॉडी ए डाली और डालने के बाद कोई क्लंप नहीं हुआ, उसी सैंपल में जब आपने एंटीबॉडी बी डाली और यहां पर आपका क्लंप हो गया, तो एक बात तो पक्की है बच्चों कि यहां पर आपका ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा, राइट। तो बी ब्लड ग्रुप के लिए कंडीशन क्या रहने वाली है कि यहां पर आपका एंटीबॉडी ए डालने पर कोई क्लंप नहीं होने वाला, और जैसे ही आपने एंटीबॉडी बी डाली क्लंप देखने के लिए मिला, तो ये तो बात पक्की हो गई है साहब, क्या यहां पर आपका क्या है, ब्लड ग्रुप बी हो गया। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेम सैंपल की थर्ड स्लाइड बना लेना और उसमें आरएच एंटीबॉडी डालना, अगर क्लंप हो जाए आरएच एंटीबॉडी डालने पर तो वो हो जाएगा बी पॉजिटिव, और अगर नहीं होगा तो हो जाएगा बी नेगेटिव। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की तरफ। अगर आपका रैंडम ब्लड सैंपल आपने लिया उसमें एंटीबॉडी ए डाली और आपको क्लंप देखने के लिए मिल गया, एंटीबॉडी बी डाली फिर क्लंप देखने के लिए मिल गया, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप ऐसी आरबीसी के ऊपर टेस्ट कर रहे हो जिसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है, दैट इज वाई एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों डालने पर आपका क्लंप देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि यह ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ बच्चा, ए बी ब्लड ग्रुप हुआ। ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, राइट। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप सेम सैंपल में आरएच एंटीबॉडी डालोगे और अगर क्लंप मिल गया तो ए बी पॉजिटिव, नहीं मिला तो ए बी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो आपने फिर एक और सैंपल लिया, ठीक है, तो हम लोग ये सारे टेस्ट करके देख रहे हैं चार के चार ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। तो आपने अगेन एक और सैंपल लिया, आपने एंटीबॉडी ए डाली कोई क्लंप नहीं हुआ, बी एंटीबॉडी डाली कोई क्लंप नहीं हुआ, तो एक बात तो पक्की हो गई बच्चों कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। अरे बच्चों कहां बताया था, देखना जरा कि अगर आरबीसी के सरफेस पर एक भी एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ है क्या, तो इसीलिए तो मैंने लिखा यहां पे कि अगर आपका एंटीबॉडी ए डालने पर भी क्लंप नहीं हो और बी डालने पर भी क्लंप नहीं हो तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, यहां पर ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब ये ओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए बात कर लेते हैं। अगर आपने उसी सेम सैंपल में आरएच एंटीबॉडी डाली और क्लंप हो गया तो ओ पॉजिटिव, और अगर डालने पर बचा आरएच एंटीबॉडी डालने पर आपका कोई क्लंप नहीं हुआ तो ओ नेगेटिव। एक लास्ट बात को हम लोग करके बच्चा इसको कंक्लूड करते हैं, वो ये है कि यहां पर अगर आप बात करोगे ए ब्लड ग्रुप की, तो ए जो है बच्चा ये जब देने की बात आएगी ब्लड ग्रुप यहां पर ये सिर्फ ए को ही दे सकता है, ठीक है, और जब ये आपका लेगा तो ये किससे लेता है, सिर्फ आपका ओ से।
ठीक है। और उसके साथ साथ ए के साथ मैं कहूंगा यहां पर ए बी को भी देने का काम करता है। तो ए ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट कर सकता है ब्लड ए को और ए बी को, और सिर्फ रिसीव कर सकता है आपका ओ से एंड ए से। लाइकवाइज अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे बच्चा इन केस ऑफ बी, तो बी जो है वो डोनेट कर सकता है बी एंड ए बी, और रिसीव कर सकता है ओ एंड बी। लाइकवाइज जो ए बी ब्लड ग्रुप है बच्चा ये सिर्फ डोनेट कर सकता है ए बी को और रिसीव कर सकता है ए से बी से ओ से एंड ए बी से। सिंस ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है, दैट इज व्हाई ए बी ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब होता है कि जो सबसे ब्लड ले पाए, राइट। तो अब ओ की बात कर लेते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है बच्चा ये ए को भी देता है, बी को भी देता है, ए बी को भी देगा और ओ को तो देगा ही देगा। और जब लेने की बात आएगी तो ये रिसीव सिर्फ करेगा बच्चा यहां पे आपका ओ से। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। समझ आई? पॉजिटिव नेगेटिव होता है अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव कहा जाएगा, अगर आर एच एंटीजन नहीं है अलोंग विद दीज एंटीजन तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोल देते हैं। ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप बेसिकली वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये था बच्चा कि आप यहां पे रैंडम ब्लड सैंपल को ऐसे चेक कर सकते हो। सर पॉजिटिव नेगेटिव के रेस्पेक्ट में कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा और कौन यूनिवर्सल डोनर होगा? सपोज कि कल को एक एक्सीडेंट होता है और आपके पास टाइम नहीं है ये चेक करने के लिए कि भैया इस पर्टिकुलर पेशेंट का ब्लड क्या है और आपको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो आप कौन सा ब्लड दोगे? वहां पे आप ब्लड दोगे बच्चा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल मैं कह सकता हूं यहां पर डोनर है, ठीक है। और यहां पर ए बी पॉजिटिव जो होगा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है आर एच एंटीजन की वजह से। अगर प्रेजेंट होगा तो यहां पर यानी कि मैं कह सकता हूं पॉजिटिव ब्लड होगा, और अगर नहीं है आर एच एंटीजन तो वो नेगेटिव होगा। और आप रैंडम सैंपल को इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बच्चा हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच।